हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो दुबई में हिंदू भाई रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, उनको क्या दिक्कत होती है। दरअसल कई भाई कमेंट्स किए थे कि भाई, दुबई में जो हिंदू रहते हैं उनको क्या दिक्कत होती है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, खाना कैसा मिलता है। तो गाइस, आगे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वर्कर्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई में हर कंट्री का आदमी रहता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, या अदर किसी जाति मजहब का हो। यहाँ पे हर कंट्री का आदमी रहता है और भाईचारे की तरह रहता है। ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए अलग रूल है, अलग कानून बना हुआ है, अलग से आपको रूम मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। आप हिंदू हो तो आपके लिए अलग से यहाँ पर बना हुआ है, खाने के लिए अलग से बना, नहाने के लिए, ऐसा कुछ भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है। जो मुस्लिम के लिए है, जो क्रिश्चियन के लिए है, जो ईसाई के लिए है, वही आपके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आपको अलग रूम में रखा जाएगा, आप मुस्लिम हैं तो आपको अलग रूम में रखा जाएगा, क्रिश्चियन है तो अलग रूम में रखा जाएगा। यहाँ पे हर कोई भारी चारे की तरह रहता है। यहाँ पे एक रूम में मिनिमम 8 से 10 लोग रहते हैं, ठीक है। बड़ा रूम रहेगा तो उसमें 12 से 13 लोग रहते हैं, नहीं तो जो छोटा रूम रहता है उसमें मिनिमम 6 से 8 आदमी लोग रहते हैं। उसमें क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति मजहब का रहता है, ठीक है। दुबई नहीं बल्कि गल्फ में जितनी भी कंट्री हैं, हर जगह सेम कानून है। ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम हैं, कोई गलत काम किए हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आप हिंदू हैं गलत काम किए हैं तो आपको मतलब जेल में डाला जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कानून हिंदू के लिए है वही कानून मुस्लिम के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। जो कानून मुस्लिम के लिए लागू होता है वही कानून हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, या अदरवाइज किसी भी जाति मजहब का हो, सबके लिए कानून वही फॉलो होता है, ठीक है, जो मुस्लिम के लिए होगा। और खाने की बात कर लें तो यहाँ पे वेज, नॉन वेज सब खाना मिलता है, ठीक है। और एक बात है कि जो लोग थोड़ा मतलब पुजारी टाइप के होते हैं हिंदू में, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का मेस होता है, जैसे अगर अपना खाना बनाना खाना होता है तो कंपनी का चूल्हा जो होता है उसमें वह मतलब जो मुस्लिम भाई लोग होते हैं उसमें चिकन बीफ लोग बनाते हैं, उसे पे आपको भी बनाना पड़ता है, ठीक है। यही दिक्कत होती है, नहीं तो और कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। आप चाहेंगे तो आप अपना अलग से चूल्हा लेकर के अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है, ये भी सिस्टम कंपनी देती है, ठीक है। यही थोड़ी दिक्कत होती है और कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। मैं खुद हिंदू हूँ और यहाँ पर लाखों हिंदू भाई काम करते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, या अदर किसी जाति मजहब को, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मुस्लिम कंट्री भले ही है लेकिन तो यहाँ पे हर किसी के लिए कानून एक ही फॉलो होता है। ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, हिंदू हैं तो आपको जेल में डाला जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आप हिंदू हैं तो यहाँ पे आप जैसे मुस्लिम भाई रहता है वैसे आप भी रह सकते हैं, ठीक है। अपने इंडिया, बांग्लादेश में देखा जाता है, पाकिस्तान में देखा जाता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख ईसाई है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर हर कोई भाईचारे की तरह रहता है। मैं बता रहा हूँ कि एक रूम में 8 आदमी रहते हैं तो उसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम या हिंदू हर कोई रहता है, उसमें मेल भाई के रहता है, ठीक है। मतलब सब भाईचारे की तरह रहता है, चाहे उसका त्यौहार हो चाहे अपना त्यौहार हो, हर कोई मनाता है तो हर कोई दूसरे के एक दूसरे को खाना खिलाता है, और जो भी मतलब सिस्टम होता है सब प्रोसेस करता है, ठीक है। तो गाइस, अगर आप हिंदू हैं तो दुबई आना चाहते हैं या कुवैत जाना चाहते हैं या अदर किसी गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सादा खाना खाते हैं तो आप सादा खाना खाइए, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है मार्केट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब हरी सब्जी नहीं मिलती है, सादा खाना नहीं मिलता है, होटल में हर चीज़ यहाँ पे मिलता है। जो चीज़ अपने इंडिया में मिलता है वही चीज़ सेम यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं दुबई या कुवैत या सऊदी, कतर, बहरीन, तो आप लोग आ सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि वो मुस्लिम कंट्री है तो हमको जाके वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होंगी, हमको मतलब तड़पाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। सेम लागू जो कानून मुस्लिम के लिए होगा वही कानून आपके लिए भी लागू होगा, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के नाम पर उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। ये विदेश है, ये गल्फ कंट्री है, ठीक है, ये अरब कंट्री है, अपना इंडिया, पाकिस्तान, मतलब नेपाल या श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं है कि पुलिस को पैसे दे करके छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और एक बात कि अगर आप अपना धर्म मानते हैं तो यहाँ पर हिंदू के लिए अलग सा मंदिर बना है, काफ़ी बड़ा दुबई में मंदिर बना है दुर्गा जी का, ठीक है। और मुस्लिम भाई के लिए अलग, मतलब यहाँ पे तो मुस्लिम कंट्री है ही है, यहाँ पे जगह जगह मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मंदिर भी नहीं है, यहाँ पे मंदिर भी है हिंदू के लिए पूजा करने के लिए, ठीक है। और जो भी फेस्टिवल हिंदू का होता है उस पर छुट्टी दी जाती है, जो फेस्टिवल मुस्लिम का होता है उसकी भी छुट्टी दी जाती है,
चाहे अगर आप क्रिश्चियन हैं तो उसकी भी छुट्टी दी जाती है, ईसाई हैं उसकी भी छुट्टी दी जाती है, जो जिसका फेस्टिवल होता है जैसे मतलब जो मानते लोग हैं उनको छुट्टी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं आपका फेस्टिवल है तो आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा, आपको छुट्टी दिया जाएगा। मुस्लिम का फेस्टिवल आएगा तो मुस्लिम को छुट्टी दिया जाएगा, क्रिश्चियन का फेस्टिवल आएगा तो क्रिश्चियन को, मतलब जो जिस जाति मज़हब का रहता है जिसका फेस्टिवल रहता है उसको छुट्टी दी जाती है। ठीक है, तो गाइस ये सब जानकारी थी, मैं आपके साथ शेयर किया। इसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई डाउट्स है कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो मिल गई होगी, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, उसके थ्रू आप जाके बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय।